नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम हिमांशु गुप्ता है और आप देख रहे हैं इनिशिएटिंग टेक चैनल को। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे एमएफपी टेक्नोलॉजी के बारे में। ये क्या होती है, सबसे पहले कैसे आई, कहाँ यूज होती है, क्या आप इसके फायदे उठा सकते हैं और कहाँ कहाँ आप इसको अपनी डेली लाइफ में यूज करते हैं। तो अगर आप पूरी जानकारी चाहते हैं एमएफपी टेक्नोलॉजी के बारे में तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर लीजिए ताकि हमारी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो ज्यादा देर करते हुए दोस्तों, जैसा कि आपको याद होगा कि एक दो दिन पहले मैंने आपके लिए एक वीडियो लाया था जिसमें मैंने Realme Buds के 1 month रिव्यू दिया था कि वो कैसा रहा मेरे लिए पूरे मंथ इस्तेमाल करने के बाद। और अगर अभी तक हमने हमारे चैनल को वीडियो नहीं देखी है हमारे चैनल पर तो आई बटन में आपको दे दूँ, डिस्क्रिप्शन में लिंक दूंगा, आप जाके वो वीडियो देख सकते हैं। और अगर आपको Realme Earbuds खरीदने हैं जो कि काफी अच्छे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहां से भी खरीद पाओगे। तो बाकी बात करें एमएफपी टेक्नोलॉजी का और उसका इस Realme Buds से क्या ताल्लुक है। दोस्तों, ये जो एमएफपी टेक्नोलॉजी है, अगर इसके फुल फॉर्म के बारे में बात करें तो इसको कहते हैं मैग्नेटिक फास्ट पेयर टेक्नोलॉजी। और ये जो है ज्यादातर ना ये Realme के बड्स वायरलेस जैसे ही चीजों में इस्तेमाल की जाती है। जैसे कि आप एग्जांपल ले OnePlus का वायरलेस सेट हो गया, ये Realme का नेक बैंड हो गया, Samsung के भी लेवल वाले नेक बैंड आते हैं। तो जितने भी वायरलेस वाले हैं ब्लूटूथ, जितने भी ब्लूटूथ से पेयर होते हैं तो इनमें ये काफी ज्यादा यूज किया जाता है। सबसे पहले जो टेक्नोलॉजी है ये गूगल लेकर आई थी जिसका नाम इन्होंने गूगल फास्ट पेयर रखा था। और ये करीबन बात है 2017-2018 की जब एंड्रॉइड 6.0 हुआ करता था। तो गूगल ने जब ये टेक्नोलॉजी निकाली तो इसका सबसे बड़ा फायदा ये निकल कर आया कि जो भी हाई डिवाइस होते थे उस टाइम पे हेडफोन्स होते थे ब्लूटूथ वाले, तो उसमें ये फीचर्स को डाला गया। इसमें सबसे फायदा क्या था, गूगल का खुद का ऐप होता था जिसमें कि कुछ जाने वाले डिवाइसेस रजिस्टर्ड होते थे और सिर्फ वही फास्ट पेयर टेक्नोलॉजी को सपोर्ट करते थे। जैसे कि कोई हेडफोन गूगल के उस ऐप के साथ लिंक हो जाता था तो अगर आप उस टाइम पे उस ब्लूटूथ को ऑन रहने देते थे तो वो बता देता था कि आपका डिवाइस ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो जाता था सिर्फ एक टैप से और बहुत ही आसानी से डिस्कनेक्ट भी हो जाता था। तो गूगल फास्ट पेयर इस तरह काम करता था। अब बात आई कि कौन कौन से डिवाइस उसे सपोर्ट करते थे, तो जो भी उस टाइम पे एंड्रॉइड 6.0 के ऊपर थे वो गूगल फास्ट पेयर को सपोर्ट कर सकते थे और जो भी डिवाइस उस गूगल एप्लीकेशन के साथ रजिस्टर्ड थे या फिर लिंक थे। तो इस तरह गूगल फास्ट पेयर आया। अब बात यही 2017 की बात, यानी कि कुछ एंड्रॉइड 6.0 के बाद हम जब अपग्रेड करते गए, आज हम एंड्रॉइड 10 पर हैं, तो ऑब्वियसली वो टेक्नोलॉजी भी अपग्रेड होती गई और आज हम यूज कर रहे हैं मैग्नेटिक फास्ट पेयर। तो बाद में जब नेक बैंड आने लगे और नेक बैंड में भी कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी का यूज होने लगा ब्लूटूथ का, तो हम ब्लूटूथ पे भी अपग्रेड करते गए। पहले हम ब्लूटूथ 3.0 चलाते थे, फिर ब्लूटूथ 4.0 पे, 4.1, अब हम 5.0 तक भी आ गए हैं। तो जितने भी लेटेस्ट वाले आपको नेक बैंड्स देखने को मिलते हैं उसमें आपको ज्यादातर जो है 5.0 देखने को मिलेगा। जैसे कि OnePlus 5Z जो अभी ओप्पो का नेक बैंड आया है लेटेस्ट वाला, साथ ही साथ Realme वाले में भी आपको ब्लूटूथ 5.0 देखने को मिलता है। ब्लूटूथ जब अपग्रेड होता है तो उसमें कई सारे फीचर्स को भी अपग्रेड किया जाता है ताकि आप बहुत स्मूथली गाने को सुन पाए, साथ ही साथ डिस्टेंस भी बढ़ाई जाती है कितने डिस्टेंस पे आप ब्लूटूथ को यूज कर सकते हैं और कितनी जल्दी वो पेयर करता है दूसरे डिवाइसेस का, ये भी ब्लूटूथ की लेटेस्ट टेक्नोलॉजी में डिपेंड करता है। तो जो लेटेस्ट वाला मैग्नेटिक फास्ट पेयर टेक्नोलॉजी, इसमें हम क्या देखने को मिलता है कि जब ऐसे कोई आप वायरलेस देखते हो तो एक मैग्नेट के जरिए जुड़ा हुआ है, ठीक है। और मैग्नेटिक फास्ट पेयर का मतलब क्या है कि जैसे आप इसके मैग्नेट्स को अलग करते हो तो ये डिवाइस तुरंत के तुरंत ऑन हो जाता है और तुरंत के तुरंत आपके फोन के साथ कनेक्ट हो जाता है। यानी कि अगर आपके फोन का ब्लूटूथ ऑन है और आपने जब जैसे कोई नया डिवाइस है इसे आपने कनेक्ट कर दिया, एक बार इसने फोन में सारा इसका डाटा रजिस्टर कर लिया कि हाँ ये Realme नेक बैंड है, इसका ब्लूटूथ ये है और वगैरह वगैरह सब इसने सेव कर लिया, तो दोबारा आपको पेयर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बस आपको क्या करना है, इसे अलग करना है और जस्ट इन अ सेकेंड, एक सेकेंड दो सेकेंड, अगर कोई डिवाइस है जो एकदम बढ़िया डिवाइस होगा जैसे Realme हो गया, OnePlus हो गया, तो ये कुछ माइक्रो सेकेंड्स के अंदर ही कनेक्ट हो जाएंगे और आप अपनी कॉल्स को रिसीव कर पाओगे, गानों को सुन पाओगे। तो इस तरह मैग्नेटिक फास्ट पेयर टेक्नोलॉजी आपके लिए काम करती है। तो ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी थी और लास्ट टाइम जब वीडियो बनाई उसमें मैंने जिक्र किया था, तो मैंने सोचा आपके लिए एक अलग वीडियो बननी चाहिए इसको लेकर। क्या आप मैग्नेटिक फास्ट पेयर टेक्नोलॉजी के बारे में जानते थे, और अगर नहीं जानते थे तो इस वीडियो
को लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। और अगर आपको कोई सवाल हो इस टेक्नोलॉजी को लेकर तो मुझे नीचे कमेंट कर सकते हैं। आपका भाई हमेशा रिप्लाई देता है, मेरे सब्सक्राइबर्स जानते हैं। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर लीजिए ताकि हमारी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंचे। और जैसा कि मैं हमेशा कहता हूं कि अगर आपने अभी तक हमें इंस्टाग्राम, फेसबुक और कहीं भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से फॉलो नहीं किया है कर लीजिए। और हम आपको व्हाट्सएप और टेलीग्राम पर भी अवेलेबल है, दोनों के नीचे डिस्क्रिप्शन में ग्रुप्स के लिंक है, आप हमें वहां भी फॉलो कर सकते हैं। और साथ ही साथ जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ, आस पास सफाई रखिए, बड़ों की इज्जत करिए और डू सम इनिशिएटिव टू मेक इंडिया टेकी। और अभी फिलहाल हम लोग कोरोना वायरस से जूझ रहे हैं तो सोशल डिस्टेंसिंग का भी ध्यान रखिए और जब बहुत जरूरी हो तभी घर से बाहर निकलिए। थैंक यू।